अपना ब्लू रिज माउंटेन का ट्रिप ख़त्म करने के बाद हम पहुंचे लूडे कैप्स में, जहां हमें दिखा कुछ ऐसी शानदार आकृतियां। वेलकम टू लूडे कैप्स। कैप का एंट्री फी था $32, 2600 भारतीय रुपए। ये एंट्री पॉइंट है केव का। इस केव की खोज 150 साल पहले 1878 में हुई थी। Take as many photos as you want, okay? Okay. Would you like one or you got one? Would you like one? No, we don't. Okay. Thank you so much. You're welcome. Okay, you want the tour? Thank you. You're welcome. Thank you. इस पूरे गुफा की लंबाई है 1.5 माइल या 2.4 किलोमीटर, जिसे देखने के लिए चाहिए आपको 1 घंटे। ये हमारे सामने है डिस्कवरी पूल। हाइट 6 फुट है तो ये तो ठीक है, 6 फुट से ज़्यादा हाइट होने से तो सीधे सर पे लगेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे सब से। बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लाइमस्टोन या चूना पत्थर है। इनका रंग येलो ब्राउन या रेड यहाँ पाई जाने वाली केमिकल की वजह से है।
हमारे सामने ये एरिया है सारासेंस टेंट। हमारे सामने ये है टोटम पोल्स। It's not gonna happen, I don't think, unless there's an earthquake. Why not? Because it's pointing downward. These places are like heaven for National Geographic and Discovery. This is what they want. A bit expensive, but it's worth it. What do you think? I agree, yeah. I'd pay to come here again, probably. अगर नेशनल ज्योग्राफी को माने तो अब तक जितने भी केप्स डिस्कवर हुए हैं उन केप में यहाँ पे देखी जाने वाली आकृति सबसे खूबसूरत है। ये सबसे लंबा फॉर्मेशन है यहाँ पे, 47 फीट लंबा इस पूरे केप का। My God, wow. अब समय आ गया है वापस जाने का। इट्स टाइम टू गो बैक। यह है विशिंग वेल, जहाँ पे लोग कॉइन फेंकते हैं और अपने लिए कुछ विश मांगते हैं। सिर्फ इन फेंके हुए कॉइन से अब तक इनकी कमाई हुई है $1.2 million, जो कि होते हैं इंडिया के अराउंड 1 करोड़ रुपए। सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे। एग्जिट होने से पहले हम पहुंचे फ्राइड एग के पास।